जम्मू कश्मीर में डोडा में एक और एनकाउंटर जो जारी है उसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। कस्तीगढ़ एनकाउंटर में दो जवानों के जख्मी होने की खबर आ रही है। सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी लगातार जारी। डेसा के बाद कस्तीगढ़ में एनकाउंटर हो रहा है। डेसा में दो दिनों से ये ऑपरेशन जारी है और अब एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार सुरक्षा बलों की टीम आतंकवादियों को ढूंढ कर उनको उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उनको ढेर करने का काम कर रही है और अब डोडा में एक और एनकाउंटर जारी है। रजत वोरा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजत, इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी सामने आ रही है कि हमारे दो जवान जख्मी हो गए हैं, क्या इनिशियल डिटेल्स? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज देसा के इन जंगलों में तेजी से ऑपरेशन जो है पिछले तीन दिन से लगातार चला रहे हैं और आज सुबह भी जानकारी है कि उसी से जुड़े दूसरे पहाड़ कास्तीगढ़ में भी ऑपरेशन जो है एक और शुरू हुआ है, जिसमें कि आतंकियों ने एक हमला करने की कोशिश जो है वो की है, जिसे की सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। उस एक्सचेंज ऑफ फायर में दो हमारे जो सेना के जवान हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं और अभी भी लगातार रुक रुक कर गोलीबारी जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। जानकारी ऐसी है कि ये वही ग्रुप हो सकते हैं जो लगातार लोकेशन बदल रहे हैं और हमला करने की कोशिश कर रही है। बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी इनकी, हालांकि सुरक्षा बलों ने इस हमले को यहाँ पर नाकाम किया, पर अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। बिल्कुल रजत, क्या जानकारी ये भी है कि जो दो दिन से डोडा के अंदर ऑपरेशन लगातार चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, उससे इसका सीधा कनेक्शन है? जी बिल्कुल, लगातार अगर इस पहाड़ की बात करें तो ये कास्तीगढ़ देसा जो पहाड़ है ये लगातार अनंतनाग के इलाके से जुड़ता है जो कि कश्मीर घाटी में, और ये पूरा जो इलाका है ऐसा है कि जंगल के इलाके से कई जगहों से कुछ जो हिडन हाइड आउट्स हैं वो बने हुए हैं। ऐसे में लगातार आतंकी अपने लोकेशन बदल रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज के एडिशनल मूवमेंट भी हुई है। ऐसे में आतंकी जो है मुकराए हैं और अपने लोकेशन बदल कर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सुरक्षा बलों ने इन्हें घेर लिया और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर कर लिया जाएगा। बिल्कुल, इस खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। एक बार दर्शकों को फिर से बता दें पूरी खबर दरअसल क्या है। देखिए, एनकाउंटर को लेकर इसमें देसा में दो दिन से ऑपरेशन जारी है, वहीं डोडा में आतंकियों से एनकाउंटर में इस बीच जानकारी सामने आ रही है। अपडेट्स आएंगे, लौटेंगे रजत वोरा आपके पास। जी न्यूज।